बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिलचरे निकिता पे, और मैं हूँ निकिता। तो आज का व्लॉग मैं अभी रात से स्टार्ट कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ आलू, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी जिसको बोलते हैं वो, मटर मतलब ग्रीन जो मटर होता है उसके साथ पनीर बना रही हूँ, और चावल त्रिय है। इधर मेरा सिंपल सा वेज रेसिपी बनके तैयार है। जय श्री राम, जय हो लक्ष्मण की, जय हो सीता मैया की, जय हो बजरंग बली की, जय हो पवन पुत्र हनुमान की, जय हो। हरि हर हे नमो कृष्ण जादवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। ये है डो बनाऊंगे जो उसका इंग्रेडिएंट है, और यह है प्रसाद भगवान जी का। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, तो अभी मेरा पूजा करना हो गया है कंप्लीट। अभी मैं प्रसाद पाऊंगी, प्रसाद पा के फिर मैं सोच रही हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी बज रहा है 9 और मेरा 10 बजे क्लास है, तो मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे मतलब पराठा या फिर पूरी कह लो, जो स्टफ्ड होगा ग्रीन कलर का, जो मटर होता है ना ग्रीन पी, उसका स्टफिंग होगा। तो अभी 1 घंटा है मेरे पास, पता नहीं क्या करूँ, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, चलिए देखते हैं। और फिर क्लास मेरा एक्सटेंड होगा पूरा दोपहर तक। एक्चुअली ये वाला क्लास दोपहर को था, 12 बजे से जो टीचर है उनको जाना है कहीं और पे, तो उन्होंने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमारा वार्ट लगा दिया, मतलब 10 बजे क्लास रखा, 10 से 10:30 बजे तक होगा, उसके बाद जाके डायरेक्ट, और 12:45 से नेक्स्ट क्लास है। सोचो इतना घंटा मैं कहाँ पर बैठूँगी, और फिर आऊँ फिर से जाओ, एक बार आ जाने से वापस कैसे जाओ, इतना दूर है भाई, 20 रुपये का भाड़ा कम है क्या, और इतना धूप होता है ना कि चल के जाने का भी इच्छा नहीं होता है। तो पता नहीं क्या करूँगी, देखती हूँ अगर, और ये भी श्योर नहीं हूँ कि जो दोपहर को जो क्लासेस है वो होंगे भी कि नहीं, अगर होते भी है तब भी तो मेरे को 10:30 बजे से मुझे 12:45 बजे तक वेट करना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। और फिर घर पर अगर कुछ खा के नहीं गई, बना के अगर नहीं गई, तो इतना भूख लगता है आके फिर से दोपहर को बनाओ, मतलब बहुत ही ज़्यादा केओस है, मतलब क्या करूँ पता नहीं, देखते रहिए। ये वाला जो प्रसाद है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसमें होता है केला होता है, चिवड़ा होता है जो कि फ्लैटन राइस है, फिर खोई होता है, फिर दही होता है, फिर दूध होता है, बहुत ही मतलब सबको मिक्स करके एकदम अमेजिंग मज़ा आ जाता है खा के। अभी मैं इन पौधों में पानी देके जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी चली जाऊंगी तो दोपहर तक तो आने में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो तब तक ये पौधे मुरझा जाएंगे अगर मैं पानी देके नहीं गई। इसको अभी कटोरे के शेप में ऐसे करके इसके अंदर जो हरे मटर के मटर का जो मैंने स्टफिंग तैयार करके रखा है उसको मैं इसके अंदर फिल करके इसको पूरी के शेप में भेड़ के फिर कढ़ाई में तल लूँगी पूरी की तरह। मेरे को लेट भी हो रहा है और ये जल्दी जल्दी करना भी, 2 तो एटलीस्ट बना के खा के जाओ ना, या फिर रख के जाओ ताकि आँखें झट से खा पाऊँ। ये है स्टफिंग। मुझे ना एक वो ख़रीदना है, ट्राईपॉड स्टैंड खरीदना है, ताकि मैं इसको अच्छे से ऐसे यू नो अकेले अकेले रिकॉर्ड करना और कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल है, वो भी मतलब कहाँ पे स्टैंड करो फ़ोन को, और अच्छे से दिखा भी नहीं पाते उसी चक्कर में, कोई और है भी नहीं जो मतलब यू नो रिकॉर्ड करके दे दे अच्छे से। तो देखती हूँ ट्राईपॉड स्टैंड लेने का सोच तो रही हूँ। तो ये मैंने स्टफ़ कर लिया है इसको, अभी मैं इसको पूरी के शेप में तलूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कड़ाई शूटर कचौड़ी, इसका फुल रेसिपी का वीडियो शॉर्ट्स में होगा तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास हो गया है ख़त्म, और अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है 12:45 को, और अभी बज रहे हैं 11:15। तो हमने रील्स बनाया है और गप्पे लगाए हैं, दैट्स इट। Thank you.
सेकेंड क्लास मेरा हो गया कंप्लीट, अभी बज रहा है 1:30, अभी मैं थर्ड क्लास में आई हूँ, मैं अकेली आई हूँ, अब तक कोई नहीं आया। भूख लगी है मेरे को बहुत ही ज़्यादा, अभी घर जाके क्या बनाओ तो भी नहीं पता। सब्जी खरीद के लेके जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ बनाने का, क्योंकि कल जो खरीदा था उससे कुछ बन नहीं सकता, तो देखती हूँ क्लास के बाद। मैं आके पहुँच गई घर पे, अभी 3 बज गया है, और ये मैं दुकान से ख़रीद के लेके आ गई घूगनी, मतलब छोले, जो कि प्योर वेज है। बहुत टेस्टी है छोले। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम खा भी रही हूँ ये, मतलब कड़ाई शूटी कचौड़ी बंगाली में बोलते हैं, मतलब ग्रीन पी का कचौड़ी टाइप, मतलब पूड़ी ही कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ खुद ही और फर्स्ट टाइम खा भी रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है। तो खाना खाते खाते बनाकर मेरे को 4 बज गए हैं, और अभी छत में आई हूँ कपड़ा लेके जाने के लिए, सुबह को नहा के छत पे कपड़ा देके गई थी तो। और आज मेरा माला भी करना नहीं हुआ है, अभी जाके माला करने बैठूँगी और फिर एडिटिंग करके अपलोड भी करना है। आज बहुत ही लेट हो गया, कॉलेज में लेट हो गया एक क्लास के वजह से, जो कि था 12 बजे से, बट सुबह जल्दी हो गया है। अगर कल भी ऐसा हुआ तो सब कुछ मतलब उल्टा उल्टा हो जाता है। तो यह है वेज कटलेट और यह है रसगुल्ला, ये दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये आंटी ने दिया है, मतलब पड़ोसी ने दिया है, तो अभी चलिए इसको खाते हैं। ये वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मुझे समोसा रसगुल्ला ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है, और ये कॉम्बो भी हरे कृष्णा। तो मेरा माला करना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और अभी मतलब 5 बज गया है, अभी मैं पौधों में फिर से पानी दे दूँगी, और दिन में 2 बार देती हूँ, सुबह 1 बार देके गई थी और अभी फिर से 1 बार दूँगी, और मेरा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ तो अच्छा लगा होगा वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, राधे राधे, गौर निताई प्रेमानंदे, हरी हरि बोल, जय श्री राधे कृष्ण की जय।